यानी इस मिशन के तहत जनजातीय इलाकों में सड़क और टेलीकॉम कनेक्टिविटी, बिजली, हाउसिंग, साफ पानी, सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण जो है उसे सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग मंत्रालय एक साथ मिलकर काम करेंगे और साथ ही उनको आजीविका के मौके भी दिए जाएंगे। विवेकानंद जी, जिस तरह से हमें बृज नारायण जी ने भी बताया कि जो ट्राइबल में भी और ज़्यादा पिछड़ी जनजातियां हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये PVTG एक तरह से काम करेगा, ये अलग से मिशन उनको हक मिले, सुविधाएं मिले, इसके लिए काम होगा। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? और हम जानते हैं कि जो तमाम राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ पर भी 75 PVTG हैं जो 22,544 गांव यानी 220 जिलों में रह रही हैं, जिनकी आबादी लगभग 28 लाख है, और इनमें से भी ज़्यादातर घने जंगलों में रहते हैं, और यही वजह है कि इनकी बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए ये योजना बनाई गई है। जैसा अभी बृज नारायण जी भी बता रहे थे कि बहुत ही रिमोट इलाके हैं और तमाम चुनौतियाँ भी हैं जिन पर मैं आऊँगी अभी आगे, तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है इस तरह की कोशिशें कितनी रंग ला सकती हैं? वास्तव में ये बहुत सराहनीय पहलकदमी है सरकार के द्वारा। मैं आपके ध्यान आपका ध्यान इस बात के की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि मैं खुद गढ़चिरौली जिले में भामरागढ़ नाम की तहसील है, जहाँ जी माडिया नाम की जो ट्राइबल कम्युनिटी है उस कम्युनिटी के ही संस्कृति में पला बड़ा हूँ। जी माडिया भाषा बोल लेता हूँ। बिल्कुल यह एक सबसे ज्यादा और सबसे प्राइमरली डेजिग्नेटेड PVTG ग्रुप है, जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। उसके संदर्भ में मैं खुद भी कह सकता हूं कि मेरे गांव में, मेरा गांव 60 घरों का गांव है, जहां पर बस नहीं जाती है। लेकिन अब 2 महीने पहले हमारे गांव में जियो का टावर बना, जिसके कारण जो कनेक्टिविटी है, कभी कभी तो दिल्ली से भी अच्छी कनेक्टिविटी मेरे गाँव में आती है। तो ये जो सकारात्मक पहलकदमी हो रही है उसके परिणाम भी हमको दिखाई दे रहे हैं। ये जो अभी पर्टिकुलरली ये जो योजना है कि PM जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के द्वारा जो 26 करोड़ रुपयों की जो राशि है अभी आवंटित की जाएगी और उसके द्वारा अनेक सारी योजनाएं चलाई जाएगी, ये महत्वपूर्ण पहल करनी इसलिए भी है क्योंकि PVTGs को PVTG की कैटेगरी में रखने के कारण ही यह है कि वह जनजातियां या उनकी भाषाएं या उनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती नहीं दिखाई देती, बल्कि विकास के वो कम ही होते हुए दिखाई देती है। विकास के जो भी मानदंड है उन मानदंडों में वो बहुत पिछड़ते हुए हमको दिखाई देते हैं। मुझे लगता है कि इस प्रकार की योजना के माध्यम से उस ग्रुप को टारगेट करते हुए उनके जो एरियाज है जिनमें वो पिछड़ रहे हैं, वो जो डेवलपमेंट इंडिकेटर्स ऑन विच दे आर परफॉर्मिंग वेरी पुअरली, उनको आइडेंटिफाई करते हुए उनको कैसे सुधारा जा सकता है, मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण बात है। लेकिन एक कॉशन के तौर पर यह भी मैं मानूंगा, क्योंकि ये जो पेसा एक्ट है 1996 में आया और 2006 में जो है जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, जो ट्रेडिशनल एंड अदर ट्रेडिशनली फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो 2006 में आया था, इन दोनों भी प्रावधानों के माध्यम से ये जो लोकल जो ट्राइबल कम्युनिटीज है उनको अपने संसाधनों को मैनेज करने के अधिकार दिए गए, साथ ही में उनकी जो कम्युनिटी राइट्स और जो इंडिविजुअल राइट्स है उनके वह भी उनको ग्रांट किए गए। लेकिन जैसे हमने, मैं चूंकि खुद ही नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स के माध्यम से जुड़ा रहा हूँ और अनेक सारी जो योजना तो नहीं, रिसर्च ग्रुप्स रहे उनसे उनका मैं भाग रहा हूँ, और साथ ही में जो ये अमृत काल के वर्ष के समय में देश के विविध विश्वविद्यालयों में जो जनजातीय नायकों के योगदान के संदर्भ में कार्यक्रम चलाए गए, उन कार्यक्रमों में मैं भी जाकर के विविध विश्वविद्यालयों में मैंने बात रखी है। तो मैंने यह भी पाया है कि ये जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट है उनमें भी कभी कभी क्लैशेस आते हैं, क्योंकि जो जमीन को राइट्स देने चाहिए उस पर ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट राइट्स या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है अपने अधिकार छोड़ना नहीं चाहता है, तो उसके इम्प्लीमेंटिंग प्रॉब्लम्स है। तो इसलिए योजना तो बहुत महत्वपूर्ण है, उसके परिणाम भी दिखाई देते हैं, लेकिन अधिक उसको अधिक परिणामकारक अगर करना है तो मुझे लगता है कि ये जो इस प्रकार के जो हर्डल्स है, जो बाधाएं हैं, उन बाधाओं पर भी काम करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है प्राइमरली जो ब्यूरोक्रेसी है उसके लिए वो जिम्मेदार है और वे करेंगे, ठीक है और प्रधानमंत्री भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी जी के नेतृत्व में इस प्रकार
योजनाओं को बड़ी सबल तरीके से आगे ले जाने की प्रक्रिया को एक बढ़ावा मिला है। मुझे लगता है कि इस योजना के माध्यम से भी ठीक है, सकारात्मक परिणाम हमको तो जल्दी जमीनी स्तर पर दिखाई देना शुरू हो जाए। बिल्कुल, जमीनी स्तर पर बदलाव और परिणाम ज्यादा से ज्यादा दिखाई दे, इसी दिशा में कहीं ना कहीं कोशिश भी है।